जिससे अगर उससे पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगी कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। उसके जाके तो अभी जो इसमें लाइट का प्रॉब्लम था इसमें, तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है? सो यहाँ पर देख लीजिए लाइट से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे। हेलो सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अर्जुन, कहाँ से हो आप? जम्मू कश्मीर से सर। जम्मू कश्मीर से। तो आज आपकी क्या क्लास थी? सर लाइट की क्लास थी हमारी। किनके साथ थी लाइट की क्लास? देव सर के साथ। सर क्या हिसाब से पढ़ाया आपको? सर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट नहीं? नो सर। किस किस का लाइट जला? सबका सर। सबका लाइट जला? सबका। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है हमारे, और अभी आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम थी? सर मैंने जो घर से फोन लाया था, एक लाइट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो नहीं बन रही थी। तो आज जो देव सर ने आज क्लास अटेंड की, हम 11 बज के लेकिन 6 बजे तक उसमें हम सब नॉलेज मिली, हमें पता चल गया कि क्या कौन सा ऐसी था, कौन सा क्या करना था, अब नॉलेज हो गया। और इसका मैंने जो जी मेरे पास नोट 4 है जी, ठीक है, और इसका मैंने जो PMI IC उठाया तो उसमें जो पैर थे तो उसका जो मैंने फिर डायग्राम किए, जो PMI 8952 था इसमें जो लगा हुआ PMI IC, ठीक है, उसके डायग्राम करके तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कौन सी लाइन कहाँ पे जाती है, ठीक है। अब एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सर, इसकी जो 9 नंबर की लाइन है जी, वो उसमें बुलट आएगी, 4-4 वोल्टेज आएगी, तो उसके उसको बोलते हैं LX स्विच लाइन बोलते हैं। और इसके साथ जो बूस्ट कॉइल लगी है जो 10 हेनरी की लगी होती है, माइक्रो हेनरी की, और इसका एक जो 7 नंबर का पिन है, ये आपकी BPH लाइन होती है जिसके उसके ऊपर भी 4 वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो सर ये जो LX स्विच की लाइन जा रही है इसके आगे जाके एक डायोड मिलेगा सर, प्लस पॉइंट, उसको आप DSO से टेस्टिंग करोगे तो उससे अगर उस पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगी कि IC सही है कि गलत है, ठीक है। उसके जाके सर इसके आगे माइनस आगे, इस साइड प्लस है, इस साइड में माइनस आएगा डायोड के, जो उसके आगे लगा होगा 50 वाट का कैपेसिटर लगेगा। और इसके साथ ही जो डायोड के माइनस है इस पर आप एक लाइन मिलेगी जो 6 नंबर की पिन पे आएगी सर जी, 6 नंबर की लाइन आएगी जो सीधे माइनस से माइनस के ऊपर लगेगी उसकी, उसको बोलते हैं OBP लाइन बोलते हैं सर, ठीक है सर। उसके बाद जो सीधा एक 0 ओम्स का कैपेसिटर लगेगा, रजिस्टर लगेगा जो LED में सीधे कनेक्ट, LED कनेक्टर में लगे, LCD उसमें लगे, उसको बोलते हैं LED 1, ठीक है सर। उसके बाद जो उसकी लाइन आएगी 30 नंबर की सर, ये जाती है CABC बोलते हैं, इसकी वोल्टेज आती है 1.88 आती है वोल्टेज आती है सर, ये भी सीधे डिस्प्ले के कनेक्टर पे जाती है, ठीक है। तो उसके नंबर सर, उसके बाद जो 21 नंबर वाली जो लाइन थी ये आती है LED K1, इसको बोलते हैं LED K1, ये भी इस पर एक कॉइल लगी होगी, ये भी कनेक्टर के पास ही, तो ये भी लाइट LCD कनेक्टर पे जाती है सर, ठीक है सर। और इसके बाद जो 20 नंबर वाली लाइन है जो इसके क्या की पैड में 20 नंबर का जो वाल्व दिखेगा उस पर बीप देगा, वो भी उसकी लाइन भी आएगी LED K2 बोलते हैं उसको, वो भी कनेक्टर के साथ डिस्प्ले कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, ठीक है सर। और जो मेरे फ़ोन में फॉल्ट था उसमें क्या LED K2 की लाइन नहीं आ रही थी, ठीक है। तो सर मैंने जब उसमें डायग्राम किया तो उसमें कनेक्टर पे बीम मोड पे चेक किया मैंने, तो ये लाइन 20 नंबर पे साथ कनेक्ट थी, तो उसके साथ मैंने जब इसको जहाँ तक चेक किया तो उसमें बीप आ गया सर, ठीक है। तो चलो, तो आप निकाल के ऑफिस फ्रंट लाइन चेक करके बताएंगे आप मुझे? यस सर बिल्कुल। IC निकाल के लगा के बताएंगे? यस सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
क्या थी इस फोन में? लाइट की दिक्कत थी। तो लाइट का आपको क्लास मिला आज? हाँ सर। कल किस चीज़ की क्लास थी आपकी? कल सर ग्राफिक्स की क्लास थी। ग्राफिक्स की क्लास थी। तो लाइट और ग्राफिक्स अगर दोनों एक साथ में अगर सर पढ़ाते आपको बताते तो समझ में आता का जिस तरीके से आज समझ में आया आपको? नहीं सर, सिर्फ हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कुछ नहीं पड़ता, सही बात है। तो देखिए पार्टीशन में इसीलिए करके क्लास देते हैं ताकि डिस्प्ले कनेक्टर जो होता है छोटा नहीं होता, क्योंकि इसमें टच की भी लाइनें होती हैं, ग्राफिक्स की भी लाइनें होती हैं और देखा जाए तो लाइट की भी लाइनें ही होती हैं इसमें, तो काफ़ी लंबा हो जाता अगर तीनों चीज़ें एक साथ अगर आपको बताते तो। इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है कि अलग अलग पार्ट में बताएं अगर तो आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो अभी जो इसमें लाइट का प्रॉब्लम था इसमें, तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? सो यहाँ पर देख लीजिए लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और चार्जिंग का सिंबल आ चुका है यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। डायग्नोस करना जो सर ने बताया वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक एक मान लीजिए अगर कोई पैड लाइन वहाँ से मिस हो जाए, आईसी के अंदर से पैड लाइन मिस हो जाए तो उसको आप डायग्नोस कर पाएंगे? यस सर बिल्कुल। पैड लाइन बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बनाया गया सर। यहाँ पे सारे बच्चे कर पाएंगे बस आप ही कर पाएंगे? यस सर। यो आप लोग कर पाएंगे? यस सर। तो चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई सोच रहा है तो सोचो मत, जो अभी बेस्ट आ रहा होने वाला उसमें आ जाओ, मतलब आ सकते हो आप? आ सकते हैं। पैसा वसूल है कि नहीं? बिल्कुल सर। ये फोन आपका है या फिर सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट से मिला आपको? नहीं सर अपना ही है। आपका ही है? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी सितंबर की बैच? यस सर। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है? यस सर। नींद तो नहीं आ रही किसी को? टाइम बताओ क्या हुआ? 10:30। 10:30। यस सर। ये कम समय है क्या प्रैक्टिकल के लिए? नहीं सर। क्लास के लिए कम समय है क्या? नहीं सर। तो ये बताइए मेरी क्लास आपकी कब स्टार्ट हुई थी? सुबह 11:00 11:00 आप इंस्टीट्यूट को आए थे, ठीक है सर? 11:30 को आपकी क्लास स्टार्ट हुई? यस सर। और अभी टाइम हो रहा 10:30। यस सर। है ना, तो ईमानदारी से 11:30 हो चुके हैं आपको? यस सर। ये समय आपके लिए पर्याप्त है कि कम है? कम है बहुत सर। पर्याप्त है कि नहीं है? पर्याप्त समय है? यस सर। किससे और ज्यादा होना चाहिए? जितना है ना, हमको अगर 2 घंटे अगर और मिलते हैं तो वो भी हमारे लिए कम है ना। तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है पढ़ाई के लिए। हम ये कोई दूसरा एम लेके आए क्या? जबलपुर में कोई मिलने जुलने वाला है तुम्हारा? घर है क्या? है ना, यह पढ़ने के पर्पज से आए ना। तो जो आपको नसीब से टीचर मिले कैसे मिले हैं आपको? सही मिले ना? कैसा लगाया ना आपने? गलत जगह तो वेस्ट नहीं करा? ऐसी जगह तो नहीं पेश करा कि जहाँ पर 11 बजे इंस्टीट्यूट का ताला खुल रहा है, 11 बजे इंस्टीट्यूट का ताला खुलता है, 2 बजे छुट्टी पे जाते हैं सर, ऐसी जगह पे तो पैसा नहीं लगाया ना? उसके बाद छोड़ देते हैं 5 बजे के बाद कि भैया तुम तुम्हारे हिसाब से प्रैक्टिकल देख लो। हेलो, तुम्हारे हिसाब से प्रैक्टिकल देख लो सर। ऐसे इंस्टीट्यूट में तो नहीं आया हो ना? वाकई में जो वर्किंग आवर होता है तुम्हारा 11 घंटे 12 घंटे प्लस होता है? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल डेली होता है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ आने का टाइम निर्धारित है क्या? नहीं सर, कोई भी निर्धारित नहीं है। तो चलो ठीक है, हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक था हमारा लाइट सेक्शन। यस सर। लाइट क्या था? लाइट सेक्शन। आप में से किस किस का लाइट जला? सबका लाइट जल गया? यस सर। एक एक का लाइट जला? यस सर। तो ये बताइए मेरे को कि ये लाइट सेक्शन आज का कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। किसने दिया आपको? देव सर ने। क्या बोलेंगे देव सर के लिए? आज आपके पास लाइट का एंडलेस सॉल्यूशन आपकी जेब में है कि नहीं? यस सर। बात करें कॉलकॉम की, बात करें ज़ायनोक्स की, बात करें एसडीएम सीपीयू की, बात करें एसएम सीपीयू की, बात करें मीडियाटेक सीपीयू की, या दुनिया की कोई सी भी आपकी आईसी होती है तो वो यूनिवर्सल आपके टेस्टिंग पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं? यस सर। तुमने प्रैक्टिकल करा कि नहीं करा? बाय मल्टीमीटर बाय डीएसओ आपको नॉलेज है कि नहीं है? यस सर। और आपको आपने जो इसके सारे जितने भी मॉडल आते हैं जो प्रोटोकॉल वाली आईसी आती है आपने उसका डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? हमने डायग्राम बनाया। एक एक पेड लाइन याद है आपको? अभी आपके सामने अगर यहाँ पे अगर 10 सेट होते अगर लाइट के तो 10 सेट के 10 सेट बनते कि नहीं बनते? कोई पढ़ाई ऐसी करी है कि जो तुम्हारे काम में नहीं आवे? हवा में बताया है? यानी थ्योरिकल नॉलेज दिया है तुमको? या कोई मदारी वाला खेल होता है कि एक टीचर सामने बैठ जाता है और काम करा करता है और तुम आराम करा करते हो और तुम ताली ठोक के घर चले जाते हो? ऐसे टेलीकॉम में ऐसी पढ़ाई है क्या? आगे भी नहीं होगी, हुई भी नहीं आज तक, न कभी होगी जीवन में। जो भी होता है फोर्सली स्टूडेंट से कराया जाता है। यहाँ पे करवाने पे विश्वास करते हैं, करने पे विश्वास नहीं करते। हम तो बहुत अच्छा करके बैठे, स्टूडेंट अच्छा करेंगे तो हमारी तारीफ है। तो
शुरुआत करता हूँ मैं आज आज किधर से, तो बताइए आज का आपका किनके साथ क्लास था? सर देव सर के साथ क्लास था। देव सर के साथ आपका क्लास था, तो कैसा रहा आपका क्लास? सर बहुत बड़े बहुत लाइट सेक्शन का किस लेवल का नॉलेज मिला आपको? बहुत डीप लेवल का नॉलेज मिला सर। डीप लेवल का नॉलेज मिला आपको? यस सर। तो ये बताइए मेरे को कि अगर देव सर के अलावा अतिरिक्त अगर कोई दूसरा टीचर आपको यहाँ पर या दूसरे इंस्टीट्यूट में गए होते वो, तो आपको अगर वहाँ से वो नॉलेज मिलता तो क्या होता, बताइए मेरे को? सर इतना नॉलेज नहीं मिलता जिस लेवल का आज नॉलेज मिला है लाइट सेक्शन में। लाइट सेक्शन में जो नॉलेज मिला है आपको नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो अभी देखो जो पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, आज आपका सातवां दिन है, है ना? सातवां दिन है, तो सातवें दिन और पहले दिन में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? आज आज फोर्सली किसी को लाइन समझाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर, ऑटोमेटिक समझे ना। यस सर। रीजन आपको सिस्टमेटिक नॉलेज मिला है सर। यस सर। आपको मल्टीमीटर का नॉलेज मिला है, आपको डीएसओ का नॉलेज मिला है, आपको आईसी निकालने लगाने का माउंट रिमाउंट का नॉलेज मिला है। और आईसी निकालने लगाने की क्लास अभी हमारी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, कंटिन्यू चलती है ना दिन भर। उसके अंदर अभी रात में भी शायद करते हैं यहाँ पर, है ना? रात में भी करते हैं, तो कोई चीज खत्म हुई है क्या यहाँ? अगर आप अगर कोई कंपोनेंट आपके दिमाग से मिस हो रहा है तो रिपीट में कोई कभी कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत आती है? नहीं सर। किसी प्रकार का रिवीजन करने में दिक्कत आती है क्या? नहीं सर। रिवाइज करते हो कोई भी आपको कोई अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको पांच बार समझनी है तो कोई टीचर मना करता है? नहीं सर, टीचर मना नहीं करता, है ना? आप सौभाग्यशाली हो सर, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं, अगर कंपेयर अगर दूसरे इंस्टीट्यूट से किया जाए इसको, समझना मेरी बात को, आज की तारीख में बच्चे ऐसे रिवोल नहीं कर पा रहे, कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझ नहीं पा रहे, और यहाँ से ज्यादा ज्यादा फीस दे के बैठे हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे जाके बैठे हैं कि जहाँ पे पर डे का खर्चा ₹1000 है। पर डे का खर्चा ₹1000 है ना? यहाँ पर ऐसे काफी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी SMD टेस्ट नहीं करी, पर बाकी उन्होंने 4G CPU निकाल के लगाया। यहाँ से स्ट्रांग नहीं होती हैंड स्किल, कहाँ पे स्ट्रांग होती है बताइए आप मेरे को? कहाँ जाके स्ट्रांग होगी हैंड स्किल आपकी? कोई भी है ना? और जो स्ट्रांग आएगा, जो आपको फेयरनेस आएगा और जो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, वो कहाँ जाके बढ़ेगी? एक तो यहाँ से प्रैक्टिस करने पे बढ़ेगी, यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद आपको तरीका आया कि नहीं आया? यस सर। आपने लाइव पावर और सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? यस सर। आप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने लाइव पावर और सीपीयू नहीं लगाया? सबने लगाया। अक्षय में थोड़ा सा तुमसे पूछना चाहता हूँ, अक्षय तुम काफी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हो, अक्षय तो वाकई में अगर ये जैसे ये बच्चे फ्रेशर है यहाँ पर, ये फ्रेशर को बच्चे को देख रहे हो और तीसरे दिन चौथे दिन आज इनकी हैंड स्किल इतनी, चौथे दिन इनकी हैंड स्किल इतनी अच्छी हो गई, तो क्या बोलना चाहोगे? कुछ तो दम है ना ऐसे? सर बहुत दम है, बहुत दम है सर। जिसको भी आना है बेफिक्र आ सकता है सर, बेफिक्र आ सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम मोहसिन अली है, मैं कल्याण से आया। मोहसिन, मोहसिन आज का लाइट सेक्शन के साथ? आज का लाइट सेक्शन बहुत एंडलेस था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ग्राफिक्स के बाद लाइट इतना इजी हो जाएगा। तो अभी हमारा डिस्प्ले प्रोजेक्टर आज पूरा हो गया? पूरा हो गया। कल ग्राफिक्स था, डिस्प्ले था। हाँ, चाहते तो हम एक ही क्लास में दोनों चीज़ दे सकते? नहीं, वैसे अगर समझाते तो थोड़ा सा मतलब जंबल हो जाता है, लेकिन आज जो हुआ जैसे दोनों सर ने जो सिलेबस बनाया जो सेपरेट किया उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अब ये पूरा सिंपल हो चुका है, अब हम काम अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सिलेबस किस प्रकार का सिलेबस है एसईटी का? जो सिलेबस बनाया क्या बहुत एक्यूरेट बनाया? हाँ सर बिल्कुल एक्यूरेट है, पार्टीशन में बदल बदल। अगर मैं पहले दिन आपको अगर यहाँ पर है कि MMC के टीचर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता और आपके सामने बिठा देता, तो क्या ये क्लास आपको समझ में आ पाती क्या? बताइए मेरे को। सर इंस्टीट्यूट में यही हो रहा है? पहले दिन सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे, बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हैं सर। हम ये जानते थे कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वहाँ से शुरुआत की हम। किस लेवल से मेहनत करी आपके साथ बताइए? पहले और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको 12 बजे तक बिठाया कि नहीं बिठाया? क्यों बिठाया? हम तो घर का सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बिठाया, क्यों बिठाया? प्रैक्टिस हो जाए हमारी करके, आपको आपको कंपोनेंट समझ में आ जाए, आपको लाइन समझ में आ जाए, आपकी कनेक्टिविटी क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है, ये समझ में आ जाए, आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाए, इसके लिए बिठाया आपको। और आज 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 हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो स्मूथली आपके दिमाग में आ रहा है। रीजन क्या है कि आपका बेसिक फंडामेंटल प्रिपेयर हो चुका है, आपने आपने उसको मैनुअली हाथ से प्रैक्टिकल करके भी देखा है, थ्योरिकल भी समझा है और डायग्राम बना के भी समझा है। अब जिस चीज का आप डायग्राम बना सकते हो तो क्या सर उसका आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो तरीका बिल्कुल एक्यूरेट मिला है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम है अब्दुल कादिर और मैं हरिद्वार से हूँ। अब्दुल कादिर,
तो आज यहाँ लाइट सेक्शन था, देव सर के साथ क्लास थी, क्या बोलेंगे आप? जी बहुत बढ़िया रहा, लाइट सेक्शन के बारे में इतना पता भी नहीं आता, पहली बात ये, नहीं मैंने कभी आईसी उतारी, नहीं असेंबली पकड़ी, यहाँ पे आके मैंने आईसी भी रिबॉलिंग करी है और लाइट सेक्शन के बारे में जाना है, इतना नॉलेज नहीं आती मुझे लाइट सेक्शन के बारे में कि इस तरह हो पाएगा, इस तरह आता है, क्या होता है, कहाँ पावर आते हैं, कहाँ से नहीं आती है। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीके से बताया है देव सर ने। अच्छा, तो आज आपने लाइट सेक्शन को पूरा एंडलेस तक ट्रेस किया? जी बिल्कुल एंडलेस। अभी आपके सामने दुनिया की कोई सी भी आईसी, सारी आईसी की डिटेलिंग करी है अपन ने, और कितने पीसीबी हुए ट्रेस करा लाइट सेक्शन को हमने, कोई से हमने पीसीबी छोड़ी क्या? कोई सी भी छोड़ी क्या? ऐसी कोई सी पीसीबी जहाँ पे तुम आइडेंटिटी नहीं कर पाए हो? हेलो, ऐसी कोई पीसीबी जिसपे आप आइडेंटिटी नहीं कर पाए, माइक्रोस्कोप के सामने आपके रखिए, आपने आइडेंटिफाई की क्या? नहीं तो ये होती है पढ़ाई जी, यस सर। आपको पहले पहचान होती है, फिर काम होता है, और फिर उसका वर्क होता है, और कैसे करता है ये करना होता है। बिल्कुल, तो आपको सिस्टमेटिक नॉलेज मिल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम अजय प्रजापति, मैं देवास से हूं सर। जी, तो आज आपकी लाइट की क्लास देव सर के साथ थी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर जबरदस्त क्लास थी सर, इतना डीपली नॉलेज अभी तक नहीं था, इतने पीस रिटर्न नहीं जाते थे लाइट का, इसी के चक्कर में सर रेगुलर फॉल्ट वाला ना सर, सर चौथे मोबाइल में लाइट की दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक उसमें हाई वोल्ट की सप्लाई बनती है और वो हमेशा सप्लाई मिस हो जाती है, कंपोनेंट गर्म हो जाते हैं, पीसीबी गर्म हो जाती है, ट्रैक खराब हो जाते हैं, ट्रैक ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ऑसिलेशन वाला जो इसके अंदर है ना, इसका निर्माण कर रहा है। मैं बात करूँ आपसे पीएमआई की, मैं बात करूँ आपसे पीएमएल की, मैं बात करूँ आपसे 63P की, मैं D8 की बात करूँ, D9 की बात करूँ, D6 की बात करूँ, अगर कोई सा भी आईसी आता है आपके सामने, और मैं बात करूँ LM की, है ना, जो 24 बॉल का आईसी आता है, जो 24 बॉल का आईसी जो लाइट और ग्राफिक्स दोनों बताता है, तो एक एक पेड लाइन याद है कि नहीं आपको? सर बिल्कुल याद है सर, मायने यही रखता है कि सर आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा नहीं कि आईसी नहीं हुई तो सर मदरबोर्ड में साइड से रख के पूरा आइडेंटिफायर करके पूरा लाइट सेक्शन बना सकते हैं सर। अभी आपको कोई संभावित सेक्शन चलता नहीं है तो हर आईसी का आपको प्रोटोकॉल दिमाग में है? जी सर बिल्कुल, भले वो मतलब 24 बॉल को वो दुनिया की कितनी भी बॉल की 6 बॉल की आईसी हो या 50 बॉल की आईसी की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई सा भी पीस आएगा सर तो उसके अनुसार हम बना सकते हैं सर डीप लेवल। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है फिरोज। मैं मोहम्मद फिरोज अररिया बिहार से, आज हमारे लाइट की लाइट सेक्शन की क्लास थी आज हमारी। हाँ जी, तो बताइए मेरे को कि किस हिसाब का आपको नॉलेज मिला? जी आज हमको बहुत डीप नॉलेज का मतलब नॉलेज मिला हमको। तो और प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? जी प्रैक्टिकल क्लास में हमने जाना, देखा सब कहाँ से लाइन पावर आईसी वगैरह इधर उधर, मतलब कहाँ से लाइन आती है, मतलब उनका कनेक्टर मतलब लाइट चला जाता है तो अगर कहाँ से लाइट कट है, कहाँ से कितना मतलब वोल्टेज आना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ के बारे में आज हमने लाइनों को सारा पढ़ा जाना। अगर फिरोज अगर कोई सा भी मोबाइल अगर आपके पास अभी लाइट का आता है ना, मैं आपको हॉस्टल में आप जाने वाले हैं थोड़ी देर में, अगर मैं कोई सा भी मोबाइल अगर आपको दे सकता हूँ तो आप उसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते? जी बना सकते हैं एकदम, 100% बना सकते हैं। 100% बना सकते हैं जी। चलिए ठीक है, अब हमें अब तो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें तो लगता है यहाँ का नॉलेज देख के कि डायरेक्ट दुकान खोल के बैठ जाए तो 100% फोन बना लें। बिल्कुल, चलिए ठीक है। उसके बाद भी आपको यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के एशिया टेलीकॉम के प्रोटोकॉल पूरे करना होंगे, आपको जाने के तीन महीने या 2 महीने या 1 महीने क्या करना है पूरी गाइडलाइन मिलेगी, उस गाइडलाइन के तहत आपको चलना पड़ेगा, जिस अनुशासन से अभी आप रहे हैं उस अनुशासन के साथ भी आपको घर पे रहना पड़ेगा जी सर, है ना, क्योंकि रीजन है आपने पहली बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और हम 13 साल से मतलब ये 2013 से पढ़ा रहे हैं, है ना, 10 साल का अनुभव है हमको कि स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ उसको सपोर्ट करना है और कब वापस बुलाना है अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये हमको पूरा नॉलेज है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी मैं सलीम अलीगढ़ UP से हूँ सर। हाँ जी, आज दीप सर के साथ में हमारा लाइट सेक्शन का क्लास था, कल ग्राफिक्स था, आज ये लाइट का था, तो कल और आज मिला के पूरा क्लियर हो गया है सर ये। अच्छा, तो आपका डिस्प्ले सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जी गया? जी सर डिस्प्ले सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया सर। तो ये बताइए मेरे को कि अगर कोई सा भी सर्किट आता है, देखो हम तो मॉडल वाइज तो पढ़ते नहीं है जी सर, सीपीयू के वाइज हम सीपीयू के टाइप होते हैं उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो सीपीयू तो एक लाइट आईसी की रिक्वायरमेंट आपको पता है? जी जी बिल्कुल। किन किन सप्लाइयों की जरूरत होती है वो पता है? बिल्कुल। किन किन कमांडो की जरूरत होती है वो पता है? कहाँ पे आपको DSO रखना है ये पता है आपको? कहाँ से कितना वोल्टेज आता है ये पता है? और कहाँ से फॉल्टी होगा ये भी मालूम है आपको? तो इसके ऊपर क्या है सर?
सलीम अब इसके ऊपर क्या है? नहीं सर, अब इसके ऊपर कुछ नहीं रहे, कुछ बाकी नहीं बचता, सब क्लियर हो जाता है सर। सब क्लियर हो जाता है? बिल्कुल सर। तो आज अभी तुम जब रात में घर पे जाओगे और जाने के बाद खाना खाओगे, खाना खाने के बाद आप सोचोगे तो दिमाग में क्या रहेगा, अगला सेक्शन रहेगा कि आज को याद करोगे? सर अब नेक्स्ट वाला सेक्शन रहेगा, अब तो क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर हो गया सर। तो पूरा पूरा लेके जा रहे हो? बिल्कुल सर, पूरा लेके जा रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है। हाँ जी, जम्मू से हूँ सर। जी तो अर्जुन ये बताओ मेरे को, लाइट सेक्शन था आज का, तो अर्जुन का लाइट जला कि नहीं जला जम्मू तक? बिल्कुल जला सर। बिल्कुल जला? यस सर। किस लेवल से जला? हाई लेवल से जला सर। हाई लेवल से जला। तो आपकी देव सर के साथ क्लास थी? यस सर। सर जो देव सर ने जो आज पढ़ाया, तो मेरे को पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि लाइट सेक्शन में क्या खराब होता है, क्वाइल वोल्टेज कितने दिए, कुछ नहीं पता था। इनपुट क्या होता है, कमांड क्या होती है, ईएन क्या होता है, और जो आज सर ने बताया हम मेरे को सब पता चल गया कि अगर लाइट का कोई फॉल्ट आएगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। आईसी उतारे बिना चेक करना, कैसे चेक करना, पहले तो मेरे को आईसी को उतारे बिना ये बता सकते हो कि आईसी सही है या खराब है? सही बात। ये ट्रिक है आपके पास? यस सर। ये ट्रिक है आपके पास? बिना आईसी उतारे ये बता सकते हो कि आईसी सही है या खराब? सही है, खराब है। बड़ी बात होती है सर। यस सर, बड़ी बात होती है सर। आप 10 साल का अनुभव लेके बैठे हैं, एक बच्चा फ्रेशर बैठा है, दोनों का इक्वल नॉलेज है। बिल्कुल सर, दोनों का इक्वल नॉलेज है। यस सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और मेरे साथ फिर एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम रामलखन है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। जी रामलखन, बताइए आपकी देव सर के साथ क्लास थी, लाइट की क्लास थी और कैसी रही आपकी क्लास? सर बहुत अच्छी रही सर, हमें तो पता ही नहीं था लाइट आईसी होती भी है कि नहीं होती है। अच्छा, तो अभी लाइट का अगर कोई सा भी आपके पास प्रोटोकॉल वाला आईसी आता है तो आप बना सकते हैं कि नहीं? 100% बता सकते हैं। बना सकते हो? यस सर। तो कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए ये भी मालूम नहीं था उनको, क्लियर हो गया? आपको वोल्टेज का नॉलेज है? हाँ बिल्कुल। आपको कमांड लाइन का नॉलेज है? बिल्कुल। ऑफ में कितना आना चाहिए, ऑन में कितना आना चाहिए, पूरा नॉलेज है। ऑफ में कितना आना चाहिए, ऑन में कितना आना चाहिए, बताइए, है ना, ये भी मालूम है आपको? पूरा नॉलेज। मैं बोलूँ कि आप आईसी उतारो मत और डिसाइड कर लो कि आईसी सही है कि गलत? बता देंगे सर। बता दोगे? यस। कला तुम्हारे पास? यस। बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पर बाकी वो कला है कि नहीं तुम्हारे पास? है सर, पूरी कला है। तो उत्तर प्रदेश यूपी से आया हो तो पैसा वसूल हुआ कि सर? फुल डबल पैसा वसूल हुआ। डबल पैसे वसूल? डबल पैसे वसूल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से? हाँ भाई बोलिए। सर आज हमारी लाइट की क्लास थी सर, जिसमें हमने सर पूरा लाइट का डिटेल से पूरा पढ़ाई किया आज हमने। और सर अभी प्रैक्टिकल भी हुई है, लगभग 10:30 हो रही है सर, और अभी हम घर जाने वाले हैं सर। और आज हमने पढ़ाई, एंडलेस सॉल्यूशन आपके हाथ में है कि नहीं? सर सॉल्यूशन सर बहुत सारे हैं। एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके पास? एंडलेस सॉल्यूशन के साथ आपको नॉलेज है कि नहीं कि एक आईसी काम, लाइट आईसी कैसे काम करती है, लाइट आईसी या कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, वो एंड बाय एंड और आपके कनेक्टर तक कैसे पहुंचते हैं, किन किन कंपोनेंट के माध्यम से कनेक्टर तक पहुंचते, लाइन से कब कब चेक करना, सब पता है सर? सब पता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर, मैं प्रशांत बावर पुणे महाराष्ट्र से। हाँ जी प्रशांत, बताइए। जी सर ने जो प्रोग्राम सिलेबस जो डिज़ाइन किया हुआ है थ्योरेटिकल नॉलेज का, तो बहुत बढ़िया तरीके से किया है कि जो फ्रेशर भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा, उनको पहले दिन से क्या देना है और कैसे उनको समझ पाएगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। हर एक अलग अलग सेक्शन का उन्होंने हर दिन अलग अलग नॉलेज दिया है हमें। बराबर है जी। तो एक सिलेबस एक इंस्टीट्यूट का कब अच्छा हो सकता है सर? जब उसने इस इंस्टीट्यूट में मेहनत की हो। जी सर, है ना, वो आनर इंस्टीट्यूट में 8 घंटे बिताता हो, वो टीचर हो, जब होता है। और कोई इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट, आजकल के इंस्टीट्यूट कैसे चल गए हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आजकल इंस्टीट्यूट कैसे चल गए हैं। आपके पास पैसा है ना 25 लाख रुपए, आप 4 टीचर को इकट्ठा कर लोगे। हेलो, यस सर। आप कितने को इकट्ठा कर लोगे? यस सर, 4 टीचर को इकट्ठा कर लोगे, 4 टीचर को इकट्ठा कर लोगे और आपका एड लगा दोगे। एक मस्त वाले 12-15 हज़ार के यूट्यूबर को बुलाओगे आप और क्या करोगे? वीडियो बनवा लोगे। उससे क्या होगा, तुम्हारे पास स्टूडेंट आना चालू हो जाएगा, है ना। अब चालू हो गए और फिर उसके अंदर क्या करोगे कि प्रलोभन देने के लिए 3-4 को बिठा लोगे, 4-5 की टीम बिठा लोगे, 4-5 की टीम बिठा लोगे और प्रलोभन दे के और स्टूडेंट को बिठा लोगे। और बिठाने के बाद जो भी आपको पैसा लेना है, अब टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, स्टूडेंट का क्या फीडबैक है, उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट टाइम आपके पास फीस आकर कहानी खत्म। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज की जी सर। और जो अच्छे पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बदनाम हो रहे हैं जी सर, है ना। तो आपको
इन सब बातें जो मैंने बोली है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि एशिया टेलीकॉम क्या है? सर, यहाँ पे आने से पहले जैसे नॉर्मल स्टूडेंट है वैसे हमारा भी नज़रिया था कि क्या रहेगा, कैसा इंस्टीट्यूट रहेगा, वहाँ पे हम लोग इतना फीस देंगे तो वहाँ से हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें भी डाउट था। बट पहले दिन से जब से आए यहाँ पे तो हर दिन वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हर नया नया चीज़, और जो कि इस मार्केट में हम लोग पिछले कई सालों से होके भी हमें पता नहीं थी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे हमें समझा रहे। क्या एशिया टेलीकॉम गारंटी देता है कि अगर चौथे दिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो फीस लेके घर जा सकते हैं? जी सर जी, ये गारंटी सबको मिली थी? यस सर, सबको मिली थी ये गारंटी? यस सर। ऐसा कोई बंदा जिसको यहाँ पे ये चीज मालूम नहीं हो? नहीं सर। सबको ये गारंटी मिले ना? जी सर। ऐसा कौन बोल सकता है सर चार दिन पढ़ाने के बाद आप पैसे वापस ले जाना, ऐसा कौन बोल सकता है? जिसको अपने एजुकेशन पे भरोसा है, अपने सिस्टम पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, अपने दिए गए नॉलेज पे भरोसा है, उसको ये बताए कि हाँ मैं एक रास्ते चलते इंसान को कोई भी मेरे पास आता है तो उसको सिखा सकता हूँ, जब ये नॉलेज गारंटी देता है। जी सर, समझ में आ रही बात आपकी? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम सोहेल है, बिहार से है सर। सोहेल बिहार से, भैया पापा ने बहुत मेहनत करके पहुंचाया यहाँ, तेरे को यहाँ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। किस लेवल का मिल रहा है? और आज देव सर के साथ तेरी लाइट की क्लास थी वो कैसी रही? बहुत बढ़िया रही सर, मतलब हम लोग एक कुछ जानते नहीं थे लेकिन हमको इतना ईजिली सिलेबस दिया गया तो आसान तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। पहले प्रैक्टिकल में जो हो रहा है थ्योरी के बाद, मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, हम लोग को फ्रीली पूरा ले पा रहे हैं। और मोबाइल की इंडस्ट्री में 25,000 से 30,000 मॉडल है, कितने हजार? 25,000 से 30,000। तो आपको 10 या 12 आईसी दिए, इसके बाहर कोई सी आईसी है क्या? बताइए मेरे को, इसके बाहर कोई सा सीपीयू या आईसी है क्या? आपको खेलना 10 आईसी पे ही खेलना है, आपको किस पे खेलना है? 10 आईसी पे खेलना है, और उस खेलने का तरीका आपको मालूम है कि नहीं? एक एक चीज का तरीका मालूम है कि नहीं? आप सोच नहीं सकते कि आपको आगे और क्या मिलने वाला है। वही तो सर, 7 दिन 8 दिन हुआ इतना कुछ आया, अभी हम लोग का नजरिया बदल गया, फोन को देख के, उसका पीसीबी को देख के काम। ये सेटिस्फेक्शन ऐसा हर इंस्टीट्यूट रात को रिव्यू क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं ले पाता रात को रिव्यू, क्यों नहीं ले पाता? थोड़ा सा कारण जानना चाहूंगा। अक्षय थोड़ा सामने आओ, तुम भी इधर सामने आओ। ये क्या कारण है कि हर इंस्टीट्यूट वाला ये रात को इतनी बजे रात को जब पढ़ाने के बाद, जब आपने सब पढ़ा दिया है उसके बाद ये लाइव आके इतना रिव्यू क्यों नहीं ले सकता? सर वो पढ़ाते ही नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब से नॉलेज देना चाहिए। आप विदाउट फीस पे बैठे हो? नो सर। नो सर, फीस देके बैठे ना? यस सर, फीस देके बैठे ना? यस सर। तो फिर आप मेरे गलत रिव्यू दोगे क्या? जो तुम समझ में नहीं आ रहा तो भी रिव्यू दोगे क्या? नो सर, नहीं। ये चेहरे पे आपको दिख रहा है क्या? ये चेहरे पे कभी आपको दिख रहा है कि मतलब ये गलत रिव्यू देगा? बताइए मेरे को। तो ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में, हम लोग तो, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था लेकिन ये 7-8 दिन में इतना कुछ मालूम चल गया, जो कि हम बोल पा रहे, कर पा रहे, प्रैक्टिकल में सब कर रहे, सब चेक कर रहे हैं। यार 24 घंटा से लग रहे थे, 12 घंटा जितने ऐसे क्लास में आए, 3-4 टीचर हर समय लग रहे थे हम लोग के साथ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते हर समय, कोई ना सीखने वाली बात ही नहीं है यहाँ, सीखने वाली बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 10th पढ़ा हुआ भी कोई बच्चा अगर आ जाता है, फ्रेशर बच्चा आ जाता है तो सीख के जाएगा? कोई भी सीख के जाएगा? चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो ये बताइए क्या क्लास थी आज हमारी, और लाइट सेक्शन आपको कैसा लगा, किस लेवल से समझ में आया? बहुत अच्छा लगा सर, जीरो लेवल से लास्ट लेवल तक, जीरो लेवल से एंड लेवल तक। और आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? वही जो रिवीजन किया सर। रिवीजन किया आपने उसके अंदर, और प्रैक्टिकल भी किया आपने? तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? नो नो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे क्लास में बताइए सर, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र राजस्थान से? राजस्थान से सर। जी जी सर। तो बताइए भाई, आज आपकी देव सर के साथ लाइट की क्लास थी, कैसी रही आपकी? सर लाइट की क्लास, लाइट का इतना डीप नॉलेज, मैं इतने सारे टाइम से काम कर रहा हूँ सर, पर जो इस तरीके से सर ने सिखाया, इस तरीके नॉलेज बिल्कुल नहीं था हमारे को। जितने सेट हम कुछ नॉर्मल सेट बना पाते थे, सबसे ज़्यादा सेट रिटर्न जा रहे थे लाइट के, क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं था सही तरीके से कि लाइट के बारे में। सर ने आज जो पढ़ाया उस हिसाब से अब एक भी सेट रिटर्न नहीं जाएगा सर। क्या एशिया टेलीकॉम आपसे फाल्टी मोबाइल बुलवाता है? यस सर। डेड मोबाइल भी बुलवाता है? यस सर। ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तुमने चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट भी लाना, ये भी लाना, वो भी लाना, एमएमसी से रिलेटेड फॉल्ट लेके आना, ऑडियो का फॉल्ट लेके आना, डेड मोबाइल भी साथ में लेके आना, हाफ शॉर्ट फुल शॉर्टिंग वाले मोबाइल भी लेके आना, डेड मोबाइल भी लेके आना। मैं क्यों करता हूँ इतनी मेहनत? एशिया टेलीकॉम करता क्यों है?
जबकि मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तुम मेरे को जानते नहीं हो, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हो, जब आप अपने घर पे रहते हो और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आपको कॉलिंग करता है, ये क्यों करता है? क्या 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 वजह है? क्या वजह है कि आपसे लैपटॉप बुलाया जाता है यहाँ पे? क्या वजह है कि आपको सारा यहाँ पे जरूरत का टूल दिया जाता है? क्या जरूरत है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको जब आते हो तो स्कीमेटिक टूल दिया जाता है यहाँ पे? क्या वजह है कि आपको ट्रेनिंग के लिए यूएफआई, प्रैक्टिस के लिए यूएफआई दिया जाता है? सर मुझे, मेरे को फेस करना आता है, स्टूडेंट को पढ़ाना आता है, मेरे को सिलेबस का, मेरे पास सिलेबस है, मेरे पास कंटेन है, मेरे पास वो लेवल के टीचर है, मेरे पास उस लेवल के टीचर है ताकि मैं एग्जीक्यूट कर सकूं आपको। आप आओ तो आप जब 23 तारीख को यहाँ से जाएंगे तो खुश होके जाएंगे आप। yes, sir, 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 आपके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन रहेगा। yes, sir, वही सेटिस्फेक्शन मैं ऑल डे देखना चाहता हूँ आपके। yes, sir, मिलेगा। yes, sir, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। से सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?